लीगल सर्विस कमेटी उधमपुर द्वारा विमेन कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कमेटी द्वारा छात्राओं को एसिड अटैक और उनसे जुड़ी कानूनी जानकारियां प्रदान की गई। इस अवसर पर कमेटी के सदस्य एडवोकेट स्वतंत्र देव कोतवाल ने छात्राओं को उनके अधिकारों व एसिड अटैक करने वालों पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट संजीत बबोरिया ने बताया कि साल 2011 के बाद से देश में एसिड अटैक की घटनाओं में इजाफा हुआ है। कई बार पीड़ित को इंसाफ हासिल करने में दिक्कतें आती है, इसलिए जिला कमेटी छात्राओं को जागरूक करने का काम कर रही है। एसिड अटैक, ये शब्द आते ही दिमाग में एक सीन क्रिएट होता है कि कोई बच्ची सड़क पर जा रही है और कोई मेल मेंबर सोसाइटी के हमारे योद्धा, चाहे बाइक पे हैं, पैदल हैं, किसी भी तरह हैं, कहीं से अचानक नमोदार हो जाते हैं और उस महिला पर एसिड अटैक फेंक कर अपना मिशन जो है वो पूरा करके कामयाबी के साथ सीना तान कर किसी गले में रूप होश हो जाते हैं, राय हो जाते हैं, कितना बहादुरी का काम करते हैं। एक नई बीमारी कभी सुनी नहीं थी, अब रिसेंटली चंद सालों में इसका जन्म हुआ और आते आते आज हमारे समाज के सामने इतना बड़ा एक जिन की तरह आकर खड़ी हो गई है कि जिस जिन को अभी जुडिशरी ने भी इतना इम्पोर्टेंट समझा कि इसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी दे दी और सख्त हदायतें कि जो एजेंसी हैं, कोर्ट्स हैं और सभी एजेंसी जो हैं, इस जुर्म को, जुर्म तो है ही है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन महापाप, एक गुनाह है। जैसा जो कि चेयरमैन किसी लीगल सर्विस कमेटी दुबे जी की देख रहे हैं, आई किसी लीगल सर्विस कमेटी की तरफ से वुमेन कॉलेज में एसिड अटैक विक्टम्स को लेकर किस तरह से जो हमारी सर्विस कमेटी है वो मदद कर सकती है, और कोई अगर ऐसे अटैक की वजह से कोई महिला या कोई इंसान पीड़ित है उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या मदद मिल सकती है, और हमारे जो लीगल सर्विस कमेटी है वो किस ढंग से उसको फ्री में मदद देने के लिए वो अपना काम करती है, उस विषय को लेकर हमने जो एक दिन का जो है इस महिला कॉलेज में जो है कैंप का आयोजन किया गया। और आप देखिए कि अगर कोई एसिड अटैक से कोई पीड़ित होता है, किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है, उस विक्टिम को सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख कंपनसेशन देती है, और साथ में उसके अलावा 3 लाख तक जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरी भी वो कंपनसेशन देती है। और ध्यान रहे कि ये हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है 2013 के जजमेंट, जो कानून है कि कोई भी हॉस्पिटल वाला एसिड अटैक का जो विक्टिम है, मरीज है, उसको इलाज के लिए मना नहीं कर सकता, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो अगर कोई इलाज करने पर मना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है एसिड अटैक के जो मुजरिम है, तो किसी भी धारा 326A के तहत उसको कम से कम जो है 10 साल की सजा हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा उसको उम्र कैद की भी सजा हो सकती है, और साथ में 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कहने का मतलब 2011 से जो इस किस्म का क्राइम बढ़ा है, तो इसमें जो है कानून पास किया गया, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट लाई गई 2013 में, ये सेक्शन 326 जो ऐड की गई 326A, जिसके तहत बड़े कड़े प्रावधान बनाए गए। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इस कानून की जानकारी है, ये स्कीमों की जानकारी है, आम लोगों तक पहुँचे, ना कि कोई ऐसे रिकॉर्ड का कोई जो विक्टिम है वह निराश हो जाए। हर समय जो है हमारी तहसील लीगल सर्विस कमेटी से लेकर
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है